हेलो प्यारे मेडिकोस, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड ब्रांच है, जिसके विषय में बहुत कम लोगों को पता है कि कैसा करियर है, लेकिन कितना फैसिनेटिंग करियर है इस इंटरव्यू से आपको समझ जाएगा। आज हमारे साथ हैं इस पूरे संभाग के एक बहुत बड़े रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर श्याम जी रावत, जो कि प्रोफेसर हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में, और हम उनसे उनकी लाइफ की जर्नी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि कैसे आप लोग रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं, इस फील्ड की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, सारा कुछ बड़ी ईमानदारी से इनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। तो डॉक्टर श्याम जी रावत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू डॉक्टर अभ्यक्त अग्रवाल, और मैं देख रहा हूँ जो आपने मुहिम चालू की, मैंने भी कई वीडियोस आपके देखे हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट से मिलता हूँ तो बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं आफ्टर फाइनल ईयर कि कहाँ जाना है। शुरू से उनके थॉट्स तो रहते हैं कि मुझे सर्जन बनना है, लेकिन सर्जन क्या बनना है, मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है, लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट क्या बनना है, क्योंकि आजकल फील्ड इतनी डिमार्केटेड हो चुकी है कि जिसमें आपका ये टेलीकास्ट और पॉडकास्ट है, वो मुझे लगता है कि एक हमें मार्गदर्शन क्रिएट करेगा उन लोगों के लिए जो एस्पिरेंट हैं फ्यूचर के लिए। जी, तो अब आप ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से MBBS आपने किया, और उसके पहले थोड़ा बहुत स्कूल का भी बताना चाहेंगे आप तो बताइए। चलिए, अच्छा है, मैं शुरू से बताता हूँ मेरी जर्नी। मैं बेसिकली, मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो वो मेडिकल ऑफिसर रहे, अधिकतर वो रूरल एरियाज में रहे, तो मेरी 12th तक एजुकेशन ग्रामीण एरिया मतलब एरिया में रही है, रूरल एरिया में रही है। मैंने 12th खजुराहो में की, खजुराहो जहाँ हमारा एक एकमात्र स्कूल था, और हमारे स्कूल में क्या था कि पूरे सब्जेक्ट में दो ही टीचर हुआ करते थे पूरे स्कूल में, वही फिजिक्स पढ़ाते थे, वही केमिस्ट्री पढ़ाते थे। खैर एनीवे, फिर जब मैं उस स्कूल से निकला तो उस समय PMT हुआ करती थी, तो पिताजी ने बोला डॉक्टर बनना है तो PMT देना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सा टफ रहा ड्यूरिंग PMT जब मैं बाहर निकला, क्योंकि आज मैंने देखा है कि लोग 9th से कोचिंग चालू कर देते हैं, उस समय कोचिंग थी, तो मैंने ड्रॉप लिया फिर एक साल ग्वालियर में PMT की तैयारी की, क्योंकि मैं हर चीज़ में नया था, क्योंकि रूरल एरिया से पूरा पढ़ा हुआ था, ज़्यादा कुछ वहाँ पर मतलब उस समय खजुराहो है इंटरनेशनल प्लेस, लेकिन पॉपुलेशन आई थिंक थी 6,000 की पॉपुलेशन थी केवल उस एरिया में, तो मेरे जो अधिकतर जो हमारे बैचमेट भी थे स्कूल के, वो कोई कृषक घर से थे, मतलब केवल 3 बैचमेट थे जो एक थोड़े से एजुकेटेड बैकग्राउंड से थे, एक के पिताजी टीचर थे तो थोड़े से एजुकेटेड थे, बाकी सब लोग कृषक थे। उनका ये था कि भाई 12th पास करना है, फिर कॉलेज जाएंगे और हम कृषि का व्यवसाय करेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर थे तो उनका एम था कि डॉक्टर बनना है। तो फिर PMT में सिलेक्शन हुआ, उस समय MP छत्तीसगढ़ एक था, तो मेरा सिलेक्शन रायपुर में हुआ, रायपुर मेडिकल कॉलेज में। 97 बेस था मेरा, तो रायपुर से मैंने पढ़ाई की उस समय, फिर रायपुर MP अलग अलग हुआ। तो आफ्टर MBBS जब PG का एग्ज़ाम दिया तो रायपुर डिवाइड हो गया था हमारा, रायपुर और छत्तीसगढ़, तो हमारी MP में फर्स्ट बेटिंग थी मेरी, और रायपुर में चूँकि 3 साल में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, 2रे साल में मेरी फर्स्ट रैंक थी रायपुर में। उस समय मैंने सर्जरी ऑप्ट की थी, क्योंकि ये कैम था कि सर्जन बनना है, और पर्टिकुलर कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना है, क्योंकि मेरे पिताजी ने उस समय जस लोक हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक में काम किया था, वो बाल ट्रांसप्लांट यूनिट करते थे, लेकिन मेरे दादाजी को कैंसर था तो उनको वापस आना पड़ा, तो उनका एम था, तो मुझे लगा कि मैं वही पूरा करूँगा, तो मैंने रायपुर से MS ऑप्ट की। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ था तो MCI का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उस समय, MCI थी जो रूरल गवर्निंग बॉडी थी ऑल ओवर इंडिया की, तो मैंने ऑप्ट कर लिया, फीस जमा कर दी, तो वहाँ पे बोला गया कि आपको कुछ समय के बाद आना है, हमारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इतने में मैं जब मैं MP की काउंसलिंग में आया, तो उस समय MP में केवल 2 सीटें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की हुआ करती थी, वो इंदौर में थी, 2 सीट रिकॉग्नाइज थी इंदौर में, और उसमें एक जनरल की सीट थी और एक OBC की सीट थी। तो रायपुर में हमारे रेडियोथेरेपी का नया सेटअप लगा हुआ था, तो बड़ी अच्छी नई ब्रांच थी, तो मुझे लगा कि चूंकि MBBS में कभी इस बारे में पढ़ा नहीं था, उस समय कोई नहीं जानता था ये ब्रांच के बारे में, कोई जानता नहीं था कि क्या इसका फ्यूचर है कुछ ना। बिल्कुल, तो उस समय वो सीट इनफैक्ट मेरे पास आई जब मेरी फर्स्ट रैंक थी, तो मुझे लगा कि कुछ समय जब तक रायपुर में क्लियर नहीं हो रहा तब तक मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, और कुछ समय सीखने को मिलेगा क्या होता है, क्योंकि पढ़ा नहीं, शायद मुझे भविष्य में काम आए। तो मैंने इंदौर में वो सीट ऑप्ट की,
और इंदौर में मैंने कंटिन्यू किया उसको। फिर यहाँ दिखता रहा कि रायपुर में चल रहा है, एक महीना निकल गया, दो महीना, तीन महीने के बाद उन्होंने फिर से रिकाउंसलिंग ऑर्गेनाइज की है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। तो उस समय मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इंदौर में हम लोग दो लोग थे जो पीजी कर रहे थे, तो हमारी टीम ने, उन्होंने रायपुर में क्या किया, उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो फिर से डॉक्यूमेंट लेके आएंगे ओरिजिनल, हम रिकाउंसलिंग करके उनको सीट देंगे। और हमारे यहाँ इंदौर में डीन ने हमें डॉक्यूमेंट इशू नहीं किए, उन्होंने कहा या तो रिजाइन करके जाइए। MGM इंदौर गवर्नमेंट, उस समय तो प्राइवेट हुआ, प्राइवेट उस समय हुआ ही नहीं थे, क्योंकि MP में साथ ही मेडिकल कॉलेज थे, प्राइवेट होते ही नहीं थे, प्राइवेट उस समय होते नहीं थे। तो उस समय MGM मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो डीन ने बोला कि हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, या तो आप रिजाइन करिए तब डॉक्यूमेंट देंगे। तो उस समय ऑलरेडी तीन महीने लेट हमारा सेशन रायपुर में हो चुका था, तो मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्यूमेंट यहाँ से रिजाइन करूंगा और वहां पर भी सीट मुझे ना मिले तो हम बड़े द्वंद में थे। लेकिन उन्होंने फोटोकॉपी करके डॉक्यूमेंट दिए, अटेस्टेड करके, जब मैं रायपुर पहुंचा तो उन्होंने मुझे अनएलिजिबल बोल दिया कि तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए हो, हम तुमको काउंसलिंग अटेंड करने नहीं देते। खैर ये डिस्टनी थी और हमारा दुर्भाग्य भी था कि इतनी अच्छी रैंक आने के बाद जो ब्रांच मुझे चाहिए था वो नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। लेकिन एक ईश्वर का भी एक ड्रामा था। फिर मैं वापस इंदौर आया क्योंकि समय निकल चुका था और एक साल में वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो इंदौर में फिर मैंने रेडियोथेरेपी को कंटिन्यू किया। और चूंकि बात करते हैं कैंसर की, कैंसर अभी भी एक बड़ा डिलीमा वाला सब्जेक्ट है। 15 साल पहले की बात करूं, 10 साल पहले की बात करूं, तो कोई कैंसर फील्ड में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय ना कोई ड्रग थी, ना ज़्यादा इक्विपमेंट थे और ना ज़्यादा एक्सपोजर भी था कैंसर फील्ड में। तो यूजली आफ्टर MBBS इस फील्ड में नहीं जाते थे, या आफ्टर MD या MS करके भी कोई इस फील्ड में नहीं जाता था, और सर्वाइवल उतना अच्छा था नहीं। जब मैं कैंसर हॉस्पिटल में गया, काम किया, तो बड़ा अच्छा लगा कि हम ऐसे पेशेंटों को ठीक कर पा रहे हैं जिनको सब लोग नकार देते हैं, दुत्कार देते हैं। मैंने इंदौर से MD कंप्लीट की, इंदौर में उस समय एकमात्र पूरे MP में MD हो रही थी। फिर मैं दिल्ली मूव किया, वहाँ से दिल्ली में मैंने एम्स में काम किया, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में काम किया, बत्रा हॉस्पिटल में काम किया। और वहाँ से मैंने, वहाँ पर जब नई नई मशीनों का दौर चालू हुआ, लीनियर एक्सीलेटर वगैरह चालू हुआ, हमारे सामने स्टॉल हुए, वो हमने उसमें काम किया, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में काम किया। इनफैक्ट मेरा टाटा कैंसर हॉस्पिटल में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन टाटा में वो मुझे मेडिकल ऑन्कोलॉजी दे रहे थे, उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छे नंबरों से मेरा सिलेक्शन हुआ। दैट मीन DM में नहीं, मतलब सीनियर एजेंसी, सीनियर एजेंसी में, ओके, आफ्टर MD कंप्लीशन ऑफ सीनियर एजेंसी में, टाटा में मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन मुझे वो दे रहे थे रेजिडेंसी मेडिकल ऑन्कोलॉजी में करने के लिए। तो और मैं ऑलरेडी उस समय राजीव गांधी में था दिल्ली में, तो मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी अपनी ब्रांच में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं क्यों अपनी ब्रांच को डिस्टर्ब करूँ। तो मैंने टाटा क्विट किया, टाटा में नहीं गया मैं, और धैनी में मैंने अपना सीनियर एजेंसी कंप्लीट की। और उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जबलपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की, जब पोस्ट निकली तो मैंने अप्लाई किया। मैं जबलपुर उस समय पहले कभी आया नहीं था, अनभिज्ञ था जबलपुर से सिटी क्या, लेकिन मेरे पिताजी जबलपुर से पास आउट है, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम जबलपुर जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है। सेम कॉलेज से पास आउट, सेम कॉलेज से पिताजी पास आउट थे। तो मैंने जबलपुर में अप्लाई किया, और इनफैक्ट उस समय सिलेक्शन भोपाल से हुआ करता था, भोपाल में ही, तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो फिर मेरा सिलेक्शन जबलपुर में हुआ और मैंने AP से यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद 2008 में मैंने जबलपुर में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं काम करता था ऑन्कोलॉजी में, जबलपुर में भी उतनी अच्छी सुविधाएं तो थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर की जो, यहाँ जो डिग्री थी वो डीरिकॉग्नाइज थी डिग्री, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिया गया। उसके बाद करीब 1.5 साल के बाद डिग्री यहाँ की रिकॉग्नाइज हो गई। और अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में केवल 2 ही जगह PG कोर्स चल रहा है, वो गवर्नमेंट की बात करें तो इंदौर में है और जबलपुर में PG कोर्स है। और हमारे यहाँ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, उसमें आप लोगों का भी रोल है कि मतलब कुछ अलग ही अपॉइंटमेंट? नहीं, हम स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा ही अपग्रेडेशन है, कैंसर हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन है। कैंसर हॉस्पिटल इसलिए छूता है कि जितने इंडिया में कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वो अधिकतर ट्रस्ट के हॉस्पिटल हैं। गवर्नमेंट कैंसर में उतना काम नहीं कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज अपनी अलग है
जैसे अगर हम टाटा कैंसर हॉस्पिटल देखें, वो ट्रस्ट का है, एम्स में जहां पर मैंने काम किया वहां पर रोटरी क्लब का हॉस्पिटल है, एम्स की जो गवर्नमेंट एम्स का हॉस्पिटल का यूनिट है वो बड़ी छोटी थी, फिर रोटरी क्लब के सहयोग से वो यूनिट बनी। इंदौर में जहां पर मैंने पढ़ाई की उसका नाम था संत 11 पंच ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज के प्रमाइसिस में था, वो भी 11 पंचों ने उसको पैसा देके बनवाया था हॉस्पिटल। जबलपुर का जो हॉस्पिटल है उसका भी नाम है जड़प्पा और जम्बा कैंसर हॉस्पिटल, जो भी ट्रस्ट के द्वारा ही बना हुआ है। अच्छा, जो हमारा ग्वालियर में रीजनल कैंसर सेंटर है वो भी एक ट्रस्ट का ही हॉस्पिटल है, शीतला साय ट्रस्ट। शीतला साय पुराने हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे एमपी के, उनका बेटे को कैंसर था, जब वो एक्सपायर हुआ कैंसर, तो उन्होंने उस हॉस्पिटल को बनाया। कैंसर की पहाड़ी बड़ी फेमस है, वो मतलब एमपी का रीजनल कैंसर सेंटर है। तो यूजली जितने अगर कैंसर हॉस्पिटल आप देखेंगे पूरे भारत में वो अधिकतर ट्रस्ट के हैं। अब प्राइवेट सेक्टर करीब करीब 6-7 साल से प्राइवेट सेक्टर का भी बूम आ गया, क्योंकि अब कैंसर में करीब 10 साल से एकदम क्रांति हुई, नई नई ड्रग आ गई है और आज हम कैंसर को क्योर भी कर पा रहे हैं, और जो फोर्थ स्टेज के पेशेंट है उनको हम लंबी तरह से सर्वाइवल दे पा रहे हैं। जस्ट लाइक क्रॉनिक डिसीज हो चुकी है, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होता है, ड्रग के साथ में वो लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। उस पर मैं आऊंगा, कैंसर किस क्या में क्या इनोवेशन में हो रहे हैं, उसके पहले मैं ये फिर मैं एपीसी में आया। फिर जब मैं हम लोग डेडिकेट पेशेंट देखते हैं तो मेरा सिलेक्शन फिर इंडो अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन है। यूजली यूएस में जितने अधिकतर जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं दे आर इंडियंस, क्योंकि उस समय कैंसर में कोई ब्रांच लेता नहीं था, जितने इंडियन लोग यूएस में ही करके जाते थे वो कैंसर में। अब कैंसर बूम हो गया तो एक मेरे पास पेशेंट आया, उसका बेटा शिकागो में एक डॉक्टर विनय जैन है, वो इंडो अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उनके यहाँ वो टेक्निकल पोस्ट पे था शिकागो में। उसकी माँ को कैंसर था फोर्थ स्टेज में, मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा था, वो अपनी मुझे नहीं पता था, वो अपनी माँ की पूरी रिपोर्ट उनके घर वाले अपने बेटे को भेजते थे। तो डॉक्टर विनय जैन देखते थे, वो सोचते थे ये ट्रीटमेंट जो यूएस में हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। उन्होंने मेरे से बात की तो उन्होंने बोला कि आप अमेरिका क्यों नहीं आते हो, यहाँ पर काम करिए। अच्छा, तो हमारी बड़ी लंबी बात हुई तो हमने कहा सर अभी तो मैं कभी गया नहीं हूँ यूएस में, उसके पहले यूरोप में एक दो कंट्री में मेरे प्रेजेंटेशन थे, मैं वहाँ गया था। तो एक उनका एग्जाम होता है उसका, वो पूरा फंड करते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने पिट्सबर्ग में फिर फेलोशिप ली, पिट्सबर्ग जहाँ पर वर्ल्ड का पहला लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था उस इंस्टीट्यूट में मैंने फेलोशिप ली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की, और उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि यहाँ पर आप रुकिए। लेकिन फिर मुझे लोनलीनेस लगा, अच्छा नहीं लगा, मैं वापस यहाँ पर आया, अपने यहाँ काम किया। फिर मैंने दूसरी मेडिकल ऑन्कोलॉजी की फेलोशिप की न्यू जर्सी में। मैं करीब 3 बार यूएसए विजिट कर चुका हूँ। और अभी इसी साल मेरा एक पेपर प्रेजेंटेशन था एस्को में, जो अमेरिका की सबसे बड़ा कैंसर का एसोसिएशन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैंसर क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, उसमें मेरा एक शोध एक्सेप्ट हुआ था और इस बार उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं हुआ गया था पेपर प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं 3 बार यूएस होके आया, और इस ऑन्कोलॉजी की जर्नी में मैंने पोलैंड में ऑन्कोलॉजी में मैंने फेलोशिप की, कई जगह मैंने फेलोशिप ली है। पोलैंड में मेरी फेलोशिप हुई, स्विट्जरलैंड में मेरी फेलोशिप हुई, कई जगह मैंने ट्रेनिंग ली है, कई जगह शोध पत्र मैंने प्रस्तुत किए। साउथ कोरिया में मैंने शोध पत्र पढ़ा, मैड्रिड में एक हमारी एसोसिएशन है यूरोपियन ऑन्कोलॉजी, जैसे अमेरिकन ऑन्कोलॉजी होती है इसमो बोलते हैं, यूरोपियन एसोसिएशन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, वहाँ पर भी मेरा शोध पत्र सेलेक्ट हुआ था हमारी इसमो कॉन्फ्रेंस में। तो स्पेन में मैंने एक पेपर पढ़ा था, उसके पहले मैं स्टॉकहोम में गया। तो ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, तो मेरी जर्नी रही तो मैं कई मेरे पब्लिकेशंस हैं, हम लोग शोध भी करते हैं, और जो भी अगर आपको पता है कि जो लेडीज़ में वैक्सीन चल रही है, एचपीवी वैक्सीन चल रही है, उसमें हम लोगों का भी एक रोल है। हम लोगों ने बहुत बड़ी आईसीएमआर के साथ स्टडी की थी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में। तो जब देखा गया, वो इंडिया में कुछ ही स्टडीज हुई थी, तो हमारी स्टडी आईसीएमआर के साथ हुई कि यहाँ पर कितने एचपीवी पॉजिटिव फीमेल्स आ रही हैं जो कैंसर से पॉजिटिव हैं, उनको कितने में। तो वो शोध भी उसमें शामिल था उस स्टडी में, जिसके बाद गवर्नमेंट ने प्रेरणा ली कि हमें वैक्सीन ड्राइव करना चाहिए, कि हम रूरल एरिया में वैक्सीन ड्राइव करें, जिससे कि हम कैंसर में सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए। तो कैंसर एक नई फील्ड है, जो अभी न्यू इमर्जिंग फील्ड है, और सबसे ज़्यादा रिसर्च कैंसर में चल रही, तो ये ब्रांच बहुत अच्छी ब्रांच है।
इस पर ये जो आपकी जो बातचीत में एक दो पॉइंट जो मैं और जानना चाहूँगा, हिंदी मीडियम से थे आप? हाँ, टोटल हिंदी मीडियम। देखो दूसरी बात कि हिंदी मीडियम एक नॉर्मल टाट पट्टी वाले स्कूल से भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। दूसरी बात जो मुझे समझ आई कि आप 96 बैच के हो ना MBBS? 97 बैच, मेरे से 4 ईयर्स जूनियर, मेरा 93 बैच है। तो उस दौरान के जो कॉन्टेम्प्रेरी सर्जन, इनको सर्जरी नहीं मिली, बात यह है कि सर्जरी नहीं मिली जो इनकी ड्रीम ब्रांच थी, अच्छी रैंक आने के बावजूद भी सर्जरी नहीं मिली। और समाप्त सर्जरी मतलब ऑप्ट कर ली थी, हाँ, बस ज्वाइन नहीं कर पाया था, जमा कर दी थी मैंने, तो वो नहीं हुआ। लेकिन बाय डिफॉल्ट मजबूरी में जो ब्रांच ली, पता है ये सक्सेस स्टोरी आपको क्यों मैं ये बोलना चाहूँगा कि उस समय के जो सर्जन हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, जो कंटेम्प्रेरी मेरे इर्द गिर्द के जिस तरह की सक्सेस आपको मिली, उसका मेन रीज़न ये है कि आपने एक बहुत ही अनसेचुरेटेड फील्ड में कदम रखा था। एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन साथ में सेचुरेशन नहीं था उसमें, ये देख लो, है ना, उस समय सेचुरेशन नहीं था उस समय, मतलब सीटें इतनी कम थी। मैं बताऊं आज भी बहुत कम, आज भी बहुत कम है। केवल उस समय 3 जगह सीट थी, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, और रिकॉग्नाइज सीट केवल इंदौर में थी। तो अभी एक चीज ये पहले समझा दें हम अपने स्टूडेंट्स को कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी में मेजर डिफरेंस क्या है, और इसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आगे DM भी हो सकता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, जो तो ये इनमें मेजर डिफरेंस क्या है और मार्केट में इनकी वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ये दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअल में ऑन्कोलॉजी में 3 ब्रांचें मेन आती हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। अब इसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिफरेंट है क्योंकि वो सर्जन पार्ट अलग हो जाता है, लेकिन मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक फिजिशियन वाली ब्रांच है जिसमें नॉन सर्जिकल ब्रांच है। तो यूजली अभी तक क्या है कि जितने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और जहाँ पर जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो लाइक अ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी होती है, इसमें दोनों पार्ट होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। आज भी जो सब्जेक्ट है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, क्योंकि जितने भी जो हॉस्पिटल रन हो रहे हैं कैंसर के आज पूरे भारत में, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो सभी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के द्वारा रन हो रहे हैं। जैसे इस ब्रांच को अगर देखा जाए, हम वर्ल्ड के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, US में इसको क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, मीन्स जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है वो पैलिटिव केयर मैनेज करता है, वो बेसिक कीमोथेरेपी सॉलिड ट्यूमर में कीमोथेरेपी देता है, हेमेटोलॉजी को छोड़ देता है। अगर US की बात करें तो US में ये ब्रांच नंबर 1 पे होती है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ओह हाँ, जो हाई रैंक है उन्हीं को मिलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको आपका एडमिशन नहीं होता तो इमरजेंसी डे नहीं होता, आपने केवल रेडिएशन किया और आप घर चले गए। अच्छा, ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है। तो जो झंझट वाली ब्रांच है उससे खत्म हो जाता है, और हाईली पेबल ब्रांच होती है US में, सबसे ज्यादा जो US में पेमेंट होती है और एक इजी लाइफ होती है, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर की लाइफ कहीं पर भी इजी नहीं है, लेकिन कंपेरेटिव टू अदर ब्रांच सबसे ज्यादा इजी ब्रांच और हाईली पेबल ब्रांच अगर कोई है तो वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। तो पहले यूजली करीब 15 साल पहले रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जब ये अंडर मर्ज ब्रांच थी, कोई जानता नहीं था, तो इंडियंस इस ब्रांच में बहुत थे। अब इंडियन कोई नहीं है इस ब्रांच में। जब मैं फेलोशिप के लिए गया था लास्ट ईयर में फेलोशिप की थी, तो अब जो मैक्सिमम लोग हैं वो US सिटीजन हैं, जो गोरे लोग जिनको बोल सकते हैं, क्योंकि वो दे नहीं रहे होंगे, अब वो इंडियन को नहीं देते हैं, क्योंकि वो पता है हाईली ल्यूक्रेटिव ब्रांच है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी चूंकि कैंसर अब ऐसी बीमारी है जो कार्डियक के बाद अगर कोई नंबर 1 डेथ का कारण है सेकंड, तो वो कैंसर है। लॉन्जेविटी लोगों की बढ़ रही है, तो वृद्धावस्था बढ़ रही है, तो कैंसर अपने आप बढ़ेगा। तो रेडिएशन ब्रांच, अपकमिंग ब्रांच जो वो रेडिएशन ब्रांच है, अब इसमें अगर प्रोस एंड कॉन्स की बात करें, नहीं इसके पहले मुझे थोड़ा सा प्रोस एंड कॉन्स को हम फिर से डिस्कस करेंगे, ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ मुझे। जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वाले ऐसा क्या करते हैं जो DM करने के बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा क्या सीखते हैं, वो लोग क्या एक्स्ट्रा करने लगते हैं? रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट है रेडिएशन के, वो इक्विपमेंट गवर्न होते हैं, जो हमारी पढ़ाई गवर्न होती है NMC के द्वारा, लेकिन हमारे इक्विपमेंट और हमारी पॉलिसी गवर्न होती है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड के द्वारा। तो हमारे पास दो गवर्निंग चलती है, जैसे आपके पास NMC चलती है, हमारे पास दो गवर्निंग है, जो हमारी इतनी मशीन्स होती है जिसमें हमें रेडिएशन डील करना है, वो हमारी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड गवर्न करती है।
अब रेडिएशन की फील्ड में मशीन आज की डेट में बहुत टाइप की मशीन्स आ चुकी हैं, कोबाल्ट यूनिट है, ब्रेकी थेरेपी है, फिर लीनियर एक्सीलेटर है, लीनियर एक्सीलेटर में कई टाइप की जिसमें एस्ट्रोटेक्टिक रेडियोथेरेपी, एस्ट्रोटेक्टिक रेडियो सर्जरी, प्रोटोन थेरेपी, डिफरेंट टाइप की हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और ये मशीनें दुनिया की जितनी अगर हम मेडिकल की मशीनें देखें हैं उसमें सबसे महंगी मशीनें यही होती हैं। आज एक लीनियर एक्सीलेटर की कॉस्ट करीब 15 से 20 करोड़ रुपए है, जो आई थिंक उससे ज़्यादा कॉस्टली मशीन कोई नहीं होती। अब प्रोटोन थेरेपी की बात करें, अगर मेडिकल साइंस की सबसे महंगी मशीन है प्रोटोन थेरेपी, जो भी इंडिया में 2 मशीनें हैं प्रोटोन थेरेपी की, एक चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में लगी है जो वर्ल्ड की आई थिंक 4th नंबर की मशीन है। फिर टाटा कैंसर करीब 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो प्रोटोन थेरेपी का। तो दिल्ली में जिस डॉक्टर के इंटर में मैं काम करता था, जो हमारी मेंटर थी, वो आज प्रोटोन थेरेपी की हेड है अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई की। टाटा में भी प्रोटोन थेरेपी चालू हुई है, 300 करोड़ रुपए का प्रोटोन थेरेपी का सेटअप है। अब आप सोचिए इतनी कॉस्टली मशीन से आप हैंडल करते हैं तो ब्रांची वो अलग ही हो जाती है जब आपको इतनी कॉस्टली मशीन। तो मतलब रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बेसिकली इस इनकी डोज वोज होती होंगी कुछ, मतलब इतना रेडिएशन देना इस एरिया में देना, तो ये डिजाइन करते हैं, उसके टेक्नीशियन उसको इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब ऐसे ही है कुछ पूरे टीम वर्क होता है इसमें। जैसे अगर ओटी में अगर सर्जरी कर रहा था, पूरा हमें एनेस्थीसिया वाला चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, हम सर्जरी कर सकते हैं। उस प्रकार से अगर हमें पर्टिकुलर एक जगह रेडिएशन प्लान करना है तो हमारे साथ फिजिसिस्ट होते हैं जो फिजिक्स की कैलकुलेशन देखते हैं, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हमें फिजिक्स उतना ज़्यादा नहीं पता होता है, पर्टिकुलर उस रेडिएशन की फिजिक्स जो हमारे पास फिजिसिस्ट होते हैं, समझ लीजिए वो एटम बम बना सकते हैं। अच्छा, जो फिजिसिस्ट आता है, मतलब आता है। क्योंकि वो भी ARB के द्वारा एक्सपर्ट लोग होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, वही हमारे साथ हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ 3 फिजिसिस्ट हैं। तो वो क्योंकि जो हम डोज प्लान कर लेंगे रेडिएशन, तो हमें बॉडी में इतना देना है, हमारे जो अदर स्ट्रक्चर है उतना हमें उतना, लेकिन मशीन से उतना रेडिएशन कैसे डिलीवर हो वो फिजिसिस्ट वाला पार्ट होता है, वो लोग प्लान करते हैं। और फिर होता है टेक्नीशियन जो उसको डिलीवर करते हैं। तो ये पूरा टीम वर्क है तभी हम रिजल्ट दे पाते हैं। तो जब इतनी महंगी, ये तो मैंने बात की मशीन की कॉस्ट है, जैसे करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की मशीन है। फिर उसका जो रूम होता है, बंकर जिसको बोलते हैं, जो बंकर ही बनता है करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का बंकर होता है, राइट। तो ये सबसे हाईली मतलब कॉस्ट पेइंग ब्रांच है, जहाँ पे जब जब तक इतना कॉस्ट आपके पास नहीं है तब तक आप वो चीज़ चालू भी नहीं कर सकते। तो मतलब ये डोज वगैरह उसका तय करना आपका काम है, फिजिसिस्ट और वो टेक्नीशियन मिलके उसको एक पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं मशीन से, उसके साइड इफेक्ट भी देखना आपका काम है। साइड इफेक्ट देखना हमारा काम है, लेकिन उस मशीन से उस डोज में कितने क्या रेडिएशन निकाले कि उस डोज को हम बॉडी में डिलीवर कर पाए। हाँ। तो वो मशीन के लेवल का जो काम होता है वो फिजिसिस्ट देखते हैं, वो करते हैं। मशीन का मेंटेनेंस है, मशीन से वो डोज डिलीवर उतना हो रहा है नहीं हो रहा है वो काम, साइड इफेक्ट्स जो होंगे वो मैनेज भी आप लोग करेंगे, मैनेज हमको करना है एक्चुअल में टोटल, लेकिन जवाबदारी डॉक्टर्स की होती है। पेशेंट को अगर उस टीम का लीडर आप हो और वो आपकी पूरी टीम रहती है, जो भी अगर कौन से पेशेंट के बाद में हमें आने वाले, तो वो जवाबदारी हमारी। उस रेडिएशन को सपोज हमने रेडिएशन प्लान किया कि हमें इतना रेडिएशन डिलीवर करना है पेशेंट में, अब हमारे पास आता है भाई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन है तो समय हमने रोक दिया, या हमने डिलीवर प्लान किया था अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और दे सकते हैं तो बढ़ाना, ये पूरा मॉडिफिकेशन करना फिर हमारे हाथ में होता है, हमें क्या करना है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट में मतलब कीमोथेरेपी लिख सकता है या नहीं लिख सकता? हाँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट चूंकि अभी भारत की बात करें तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट दोनों के लिए एलिजिबल है, रेडियोथेरेपी के लिए और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए, कीमोथेरेपी के लिए दोनों के लिए गवर्नमेंट और लीगली वो एलिजिबल है कि दोनों ट्रीटमेंट वो कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास अभी उतने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, अलग से नहीं। जैसे आप समझिए कोई भी ब्रांच में हम जब सुपर स्पेशलाइजेशन में जब जाते हैं, जब वो चीज़ है हमारे पास, जब वो फैसिलिटीज हमारे पास है, और धीरे धीरे अब हो भी नहीं, जब फैसिलिटीज हमारे पास आ जाती है तो फिर व्यक्ति छोड़ना लगता है। जैसे अगर आप पीडियाट्रिक्स में देखें, आप अभी सभी पेशेंट देखते हैं, ठीक है, जब आपके पास अगर सुपर स्पेशलिस्ट सब आते जाएंगे तो फिर आप सोचोगे यार हमें क्यों उस फील्ड का देखना पेशेंट, क्योंकि देखिए 3 चीजें काम करती है, मैन मनी मटेरियल,
हमारे पास क्या उस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति अवेलेबल है, क्योंकि चीजें तो आज जैसे हम जरा सी बात करें, एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट होता है, आई का डॉक्टर सभी सेंटर, लेकिन उसमें भी कितनी सुपर स्पेशलिटी हो चुकी है। अब रेटिना वाला डॉक्टर ग्लास लेंस नहीं चेंज करेगा, जो लेंस वाला डॉक्टर तो डिपेंड करता है, लेकिन वो उस स्पेशलिटी तक आने के लिए हमारे पास उतने डॉक्टर और इतने इक्विपमेंट जैसे जैसे आने लगेंगे उतनी हम डिवाइडेशन चालू होने लगेगा। तो लेकिन बात करें रेडिसन ऑन्कोलॉजिस्ट की, तो रेडिसन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास काम होता है पैलिएटिव केयर का काम होता है, पूरा पेन मैनेजमेंट का काम होता है, कैंसर पेन मैनेजमेंट, तीसरा मेडिकल ऑन्कोलॉजी का पूरा वर्क होता है, रेडिसन ऑन्कोलॉजी का पूरा वर्क होता है, और जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं एसआईटी स्टेपिंग है, ब्लू रे फ्यूजन है, और पिक लाइन डालना, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है जो हम लोगों को ही करने पड़ते हैं। तो डीएम करने के बाद एक्स्ट्रा क्या करने लगते हैं? हाँ, अब डीएम करने के बाद जो डीएम करते हैं, डीएम में वो केवल डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जाते हैं, उसमें भी अलग अलग डिवाइडेशन हो गए, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी होती है, डीएम हेमेटोलॉजी भी होती है, फिर उसमें बीएमटी चालू हो जाता है, वो लोग लिक्विड मेलिग्नेंसी ज्यादा अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। हेमेटोलॉजी में शायद मैंने नहीं देखा आप लोगों का एलिजिबिलिटी, मुझे डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी देखिए वो लोग भी बीएमटी करते हैं, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी करते हैं बीएमटी, बोन भी बीएमटी करते हैं, और डीएम हेमेटोलॉजी बीएमटी करता है। तो मेजर एक है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है जो एक सेपरेट, कीमोथेरेपी बेटर ढंग से कर सकते हैं, कीमोथेरेपी दोनों ही लोग करते हैं। लेकिन जब अगर जैसे किसी इंस्टीट्यूट में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिसन ऑन्कोलॉजिस्ट है, फिर ये रहता है कि भाई आप कीमोथेरेपी करिए, रेडिसन ऑन्कोलॉजी करेंगे, ये दोनों। लेकिन रेडिसन जो रेडिसन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वो भी एक्सपर्ट होता है कीमोथेरेपी जितना मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होता है, लेकिन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का क्राइटेरिया टुवर्ड हेमेटोलॉजी और टुवर्ड बीएमटी में ज्यादा उसका रहता है, ब्लड मैलिग्नेंसी ज्यादा हैंडल करता होगा वो, क्योंकि रेडियोथेरेपी में कम है, जैसे कम होती है उसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि आजकल अब ब्लड के जो स्टेम सेल वाला सिनेरियो चालू हो रहा है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है, या कार टी सेल थेरेपी भी आ रही है, या बीएमटी ट्रांसप्लांटेशन है, तो उनका फोकस उस तरफ ज्यादा रहता है, वो उस तरफ ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, इस फील्ड के मेजर प्रोज एंड कॉन्स से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि एक फ्रेश ग्रेजुएट है, पहले तो ये शायद बहुत कम ग्रेजुएट इसके पोस्ट ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं अभी भी ना, रेडियोथेरेपी में बहुत कम सीट्स हैं, कम सीट्स हैं। और जैसे एमपी में कितनी है? एमपी में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 5 इंदौर में है और 5 जबलपुर में, 10 सीट है, तो बहुत कम है। इतने तो हमारे डिपार्टमेंट में अकेले में पीडियाट्रिशियन आ जाते हैं, मतलब लेकिन अभी प्राइवेट में सीट्स हैं, जैसे बट ठीक है, मतलब धीमा रेट ऑफ सिचुएशन है। सो अब ये पोस्ट ग्रेजुएट दो रास्ते हैं इसके पास, ये पास हो गया ठीक है, एक तो मार्केट में आ रहा है जॉब करने, ठीक है, इसकी सीनियर रेजिडेंसी भी कंप्लीट हो गई, तो उसको मेडिकल कॉलेजेस में जॉब, कॉर्पोरेट मल्टी स्पेशली में जो भी, उसका सीनेरियो में जानना चाहूँगा। दूसरा वो फ्रीलैंसिंग खुद की ओपीडी करके यदि प्रैक्टिस करना चाहता है वो जानना चाहूँगा, और तीसरा ये कि वो यदि डीएम करना चाहता है, तो तीनों में आप क्या रिकमेंड करते हो और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इनके, और इनको इनिशियल सैलरी पैकेज क्या मिलता है, फिर कुछ दिन बाद क्या ये लोग मतलब सैलरी या इनकम जो भी मतलब फ्रीलैंसिंग में इनकम ये क्या हो जाती है इनकी? रेडियोथेरेपी में प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स ये है कि चूंकि ये ब्रांच इक्विपमेंट बेस्ड है, जब इक्विपमेंट होगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, और इक्विपमेंट कहाँ लगेगा, जब कोई बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होगा या मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा सेटअप होगा वहाँ पर इक्विपमेंट लगेगा। जैसे अगर हम बात करें पूरे एमपी में, तो रेडिएशन की मशीन जो चालू हालत में है मेडिकल कॉलेज में, तो इंदौर में है, जबलपुर में है और ग्वालियर में, केवल 3 जगह मेडिकल कॉलेज में चल रही है, जबकि एमपी बहुत बड़ा एक सेक्टर है। तो जब हम जो हमारे स्टूडेंट पीजी करके निकलते हैं तो छोटी जगह तो वो नहीं रह सकते, अगर उनका एम है कि हमें अपने घर के आसपास ही कहीं प्रैक्टिस करनी है तो इस ब्रांच को नहीं लेना चाहिए। जिनका ड्रीम बड़ा है कि हमें बड़े शहरों में रहना है, क्योंकि इस ब्रांच में ये बड़े शहरों में सेटल होने के लिए ब्रांच बहुत अच्छी है। जैसे आर्मी में इस ब्रांच को सुपर स्पेशलिटी मानते हैं, ठीक है, मतलब वो जस्ट लाइक डीएमएमसीएच रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को माना जाता है आर्मी में। तो आप बड़े शहरों में अगर रहना है तो ये ब्रांच आपके लिए बहुत अच्छी है, और इस चूंकि ये ब्रांच एकेडमिक ब्रांच है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होने वाली सब्जेक्ट है, मतलब हर 6 महीने में हमारी गाइडलाइनें चेंज हो जाती हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस आज है 6 महीने के बाद वो ड्रग ऑफ चॉइस चेंज हो जाती है। तो अगर आप एकेडमिक हैं, आप पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हमें रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तो फिर इस ब्रांच को लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्रांच हार्ड वर्किंग मानती है, क्योंकि आपको
सपोज 15 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट चलाना है, अगर जरा सी भी इरर हुई क्योंकि पेशेंट को भी चार्जेस, जैसे प्रोटोन थेरेपी की कॉस्ट करीब 20 लाख है एक पेशेंट की, 20 लाख रुपए पेशेंट पे करता है एक ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए प्रोटोन थेरेपी में। अगर हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी भी आते हैं 4 से 5 लाख रुपए उसकी पेशेंट पे करता है, ये केवल रेडिएशन का कॉस्ट है। उसके बाद सपोर्टिंग ड्रग और तमाम प्रकार की चीजें मिलाएं, तो जब पेशेंट जब इतना पे करता है तो वो चाहता है कि उसी हिसाब से हमें सर्विसेज भी मिले। तो अगर आप अलर्ट हैं और आप चाहते हैं कि हम हमेशा मतलब चौकन्ने हैं और हम पढ़ाई करते रहेंगे और डेडिकेटेड रहेंगे ब्रांच में, तब हमें ब्रांच लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटे शहरों के लिए ब्रांच नहीं है। ठीक, हाँ शायद 10-15 साल के बाद छोटे छोटे शहरों में भी मशीनें लगें, वो भविष्य की बात है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे तो आपको बड़े शहरों में ही रहना पड़ेगा, और बड़े शहरों में नो डाउट कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आप जब तक अपने आप को फिट एंड फाइन रखेंगे तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे, और जब आप MD कंप्लीट करते हैं तो आपको फिर क्योंकि जिस जगह आप MD कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पर शायद आपके इंस्टीट्यूट में बड़ी मशीनें हैं या नहीं है, तो उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि उन मशीनों पर आप काम करिए। जैसे रेडियोलॉजी में कई जगह सिटी स्कैन नहीं होता है, वो सोनोग्राफी करके निकलते हैं, तो 6-8 महीने वो कर सकते ट्रेंड करते हैं अपने आप को कि हम सिटी स्कैन, उसके बाद फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन इसमें मतलब खराब बात यह है कि आपको जरूरी नहीं कि आपका जो डिमांडिंग शहर है कि हमें इस शहर में रहना है, वो आप नहीं चूज कर सकते, क्योंकि जहाँ पर सीट एलिजिबल खाली होगी वहीं आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चूंकि इक्विपमेंट कम है। सपोज आप एक शहर में जहाँ पर केवल 2 इक्विपमेंट लगे और वो जगह सैचुरेटेड है, तो आपको फिर दूसरे शहर में जाके ही जॉब करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन जितने हमारे यहाँ के पास आउट स्टूडेंट हैं सभी बहुत अच्छे लेवल पर हैं, और जो लोग जाते हैं वो इंडिया लेवल के फेम होते हैं, क्योंकि उनको सब लोग जानते हैं जितने लोग हैं, क्योंकि वो कम ही लोग होते हैं इंडिया में। आज जो एसोसिएशन है हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की, उसमें कभी लोग हैं, तो हम जानते हैं कि दिल्ली में कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, मुंबई में कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, चेन्नई में, या चेन्नई वाला बैठा हुआ तो हमें जानता होगा उस तरह से कि जबलपुर में कितने डॉक्टर हैं, मुंबई में, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं मुंबई से, बोले डॉक्टर साहब आपका नाम बोला मुंबई में कि जबलपुर में आप हैं आपको दिखा दीजिए, मुझे तो पड़ोस वाला भी नहीं जानता होगा। हाँ, तो ये उसके फायदे हैं कि आप क्योंकि लिमिटेड लोग हैं तो आपको सब लोग जानते हैं, मतलब इंक्लूडिंग वर्ल्ड वाइड जानते हैं आपको। जैसे मैं बताऊं, मेरा जैसे मुझे US में कई डॉक्टर जानते हैं, कई मेरे पास कॉल आते हैं US से, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं, और इनफैक्ट मैं बताऊं अभी कुछ ऐसे पेशेंट है जो US से आके मेरे पास कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जो NRI है, बोले नहीं नहीं हम तो घर जाएंगे और यहाँ पर हम ट्रीटमेंट लेंगे। मैं मतलब जबलपुर के आसपास के कई रीजन के मेरे पास पेशेंट हैं जो बाहर हैं और वो आके ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ का ट्रीटमेंट सस्ता है, और आप अगर अच्छा करते हैं तो, क्योंकि आप कम होते हैं तो रिकॉग्निशन आपका बहुत फास्ट होता है। हाँ, लेकिन उतनी मेहनत ही आपको लगती है। एक अर्ली ग्रेजुएट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट को स्टार्टिंग, जैसे एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है वो कॉलेज में, तो वो मेरे ख्याल से 1-2 लाख रुपए अभी इन हैंड सैलरी उसकी है ना, लगभग इतनी होगी। फिर एसोसिएट में लगभग वो 2 के करीब पहुंच जाती है, और प्रोफेसर में 3+ हो जाती है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में किस तरह का उसको पैकेज मिलेगा, या उसको ये पॉसिबिलिटी है इसमें कि जैसे एक क्लिनिक करे वो और बाकी जगह विजिट्स कर ले? राइट, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में आप करते हैं वो 24 आवर आपको उस इंस्टीट्यूट के लिए देना पड़ता है, क्योंकि काम बड़ा टफ है इसके लिए। एक पेशेंट आता है, क्योंकि रेडिएशन क्या होता है कि एक दिन के सेटिंग नहीं है, एक पेशेंट अगर आपके पास आया तो करीब करीब 1 एंड 1.5 मंथ वो ट्रीटमेंट आपके पास लेगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट में विजिट कर पाए। लेकिन वो इंस्टीट्यूट आपको इतनी अच्छी सैलरी देता है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़े। तो इनिशियली जो हमारे जो स्टूडेंट जाते हैं उनको 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख पैकेज मिलना चालू हो जाता है आफ्टर SRC। बहुत बढ़िया। SRC अगर आपने 6 महीने कंप्लीट किया है, एक साल आपने SRC कंप्लीट कर ली, उसके बाद इतना पैकेज आपको मिलने लगता है, फिर आपकी काबिलियत के ऊपर है। फिर जैसे एक जो इसमें बहुत फेमस हो जाते हैं जो लोग, मतलब आप हैं बहुत फेमस, लेकिन आपका नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर का बात करते हैं, जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या कॉर्पोरेट में, वो कब उसका पीक या मिड इनकम क्या, क्योंकि इनकम को लेके लोग बहुत कंसर्न रहते हैं मेरे स्टूडेंट। राइट, इस ब्रांच में देखिए क्या होता है कि आपको अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, एक ड्रॉबैक तो इसमें ये है, लेकिन आप अपनी डेवलप करते जाते हैं, एकेडमिक आप साउंड होते जाते हैं, तो जब कोई नया इंस्टीट्यूट आता है तो फिर आपको लेगा कि हमें ऐसा
डॉक्टर चाहिए, तो जो हमारे सीनियर्स हैं आज उनकी पैकेज 10 लाख 15 लाख रुपए तक उनका पैकेज है। मतलब दिल्ली और मुंबई की बात मैं नहीं करूंगा, वो तो हायर एंड है, मतलब दिल्ली और मुंबई के बाद जो सेकंड टायर सिटीज आती है वहां पर उनको इतना 10-15 लाख है, 10-15 लाख उनको पैकेज इतना नहीं है। हाँ, जो अच्छा कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, इसमें इस ब्रांच में ये कि आपको लगातार अच्छा करता रहना पड़ेगा, रिसर्च करती रहनी पड़ेगी, शोध करता रहना पड़ेगा, आपको अपडेट हमेशा रहना पड़ेगा, तब आप मतलब एक हायरार्की में सबसे ऊपर की रैंक में जा सकते हैं। रेडिएशन हैजर्ड कुछ होती है? हाँ, अच्छी बात है इसमें, क्योंकि डरते कई लोग हैं कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में रेडिएशन हैजर्ड बहुत रहेंगे, लेकिन बड़ी सी ब्रांच है और इंक्लूडिंग हम लोगों को मशीन के पास जाना भी नहीं होता। ओके, मशीन के पास यूजली जो फिजिशियन होते हैं वो टेक्नीशियन होते हैं, हम लोग मशीन के बाहर ही जो पेशेंट जो काम होता है टोटल हमारा पेशेंट के ऊपर ही हमारा काम होता है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है इस फील्ड में? मतलब सपोज आपने तो, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, शादी नहीं की है डॉक्टर श्याम ने, पूरा डेडिकेशन पेशेंट्स के लिए, लाइफ पूरी, अब वो एक अलग स्पिरिचुअल पार्ट है, हाँ स्पिरिचुअल पार्ट है वो, ठीक है, वो उसके लिए अलग इंटरव्यू करना होगा, लेकिन अभी ये बताओ कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, यदि किसी का परिवार है किसी को? देखिए, अच्छी बात है कि जब आप फ्रीलांसर होते हैं तो आपके पास हेडेक बहुत होती है एक हॉस्पिटल में जाना, और मैंने देखा है कि आज का ट्रैफिक इतना अच्छा नहीं है, व्यक्ति हॉस्पिटल में जाके परेशान हो जाता है। जैसे आपकी क्लिनिक है तो अच्छा लगता है कि हम क्लिनिक पे बैठे, क्योंकि एक समय के बाद जब आप यंग होते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रीलांसर में आपके पास एनर्जी है, आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन उसके बाद आपके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, उनके भी एग्जाम्स हैं, उनके भी फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको लगता है हम एक जगह बैठे और वहां से हमारी एक प्रॉपर इनकम अच्छी होने लगे, तो अच्छी बात है कि आप एक जगह, आपको रुकना है, इसे फ्रीलांसर कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट आपके पास रेफर ही आपके पास होना है, पेशेंट जो से निकलते तो अच्छा है, आपको फ्रीलांसर नहीं होना तो अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, नाइट ड्यूटीज का क्या रहता है, मतलब यंग एज और मिडिल एज में, इसमें इमरजेंसी क्या डिपेंड करता है कि आप इसमें भी कैसा प्रोफेशन चूज करते हैं। देखिए, क्योंकि ये ब्रांच ऐसा है कि आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के साथ में मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आपको फिर पूरा क्लिनिकल भी साथ में, क्लिनिकल मतलब टोटल मेडिसिन वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा, फिर आपको पेशेंट केयर कंप्लीट पेशेंट केयर करनी पड़ती है। अगर आप रेडिएशन वाला पार्ट देख रहे हैं तो आपके साथ में, चूंकि आप इंस्टीट्यूट में रहते हैं, टीम आपके साथ में रहती है बहुत बड़ी, तो आपके पास उतना हेडेक नहीं होता, जो आपको जैसे नाइट में आपके लिए कॉल आ रहा है तो आपके असिस्टेंट है वो आपकी डील करते हैं, और क्योंकि कैंसर के पेशेंट सिक तो होते हैं, कई ऐसे हैं जो पैलिएटिव में हैं वो फिर सिक होंगे, तो वो जूनियर लेवल पे मैनेज जूनियर लेवल सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, सीनियर रेजिडेंट, क्योंकि आप के साथ, क्योंकि आपको टीम में ही रहना पड़ेगा, आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, आप एक टीम के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो टीम, अगर आप समझते हैं कि हम टीम को मैनेज करना अच्छी तरह से जानते हैं तो ये ब्रांच आपके लिए बहुत अच्छी है। ये क्वेश्चन मुझे हर एक ब्रांच में अनफॉर्चुनेटली आज के माहौल को देखते हुए पूछना पड़ता है, वो ये है कि लिटिगेशन ऑफ वायलेंस रिस्क आपकी ब्रांच में, पर्टिकुलर ब्रांच में क्या है, क्योंकि ये केसेस आजकल देखने मिलते हैं मतलब डॉक्टर्स के खिलाफ इस तरह का, तो वो कैसा है? बिल्कुल, देखिए जहाँ पर व्यक्ति इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस तो होने हैं, और कोई भी ब्रांच इससे अछूती नहीं है, क्योंकि ये ब्रांच में भी पैसा पेशेंट बहुत खर्च करता है, तो उसके एक्सपेक्टेशन भी बहुत होते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया तो हमें ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए। तो जितने जितने मैंने मेडिको लीगल आजकल कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं क्लासेस अटेंड की, तो मुझे लगता है इसमें सबसे अच्छा होता है कम्युनिकेशन। अगर आप पेशेंट को प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं और आपके मन में पेशेंट के प्रति कोई कनिंगनेस नहीं है, कई बार एक छोटा सा कनिंगनेस आ जाती है, अरे इससे हमें पैसा मिलना है, क्यों हम थोड़ा सा ऐसा अपनी लीक हट जाते हैं हम कई बार उस लालच में, लालच आता है, हम भी इंसान हैं, लालच आता है, लेकिन अगर आप लालच मन में नहीं है और आप प्रॉपर वे में ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो किया है, अगर वो पेपर लेके वो व्यक्ति दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो वो बोलता है कि नहीं आपका ट्रीटमेंट सही हुआ, तो मुझे लगता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप चाहे आप एक अगर आप 10 रुपये की प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे आप 10 करोड़ रुपये की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो आपको दोनों समय में आने वाली, क्योंकि आप एक ह्यूमन लाइफ के साथ डील कर रहे हैं। ओवरऑल एडेड एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है, जैसे ही बाकी क्लिनिकल ब्रांचेस में वो वैसा ही रिस्क है। ओके, और उसको भी हम अपने एटीट्यूड से और सही ढंग से सेफ रह सकते हैं, रह सकते हैं इसमें, ठीक है। हम प्रॉपर अगर पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि भाई हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कितने परसेंट फायदे हैं, कई बार हम पेशेंट को लेने के चक्कर बोलते हैं कि नहीं हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे देंगे, दूसरा नहीं दे रहा, बहुत सारी चीजें आती है, कंपटीशन का माहौल होता है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है हमें पेशेंट को
प्रॉपर गाइड करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए, भले आपके पास दो पेशेंट कम हो तो आप इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। आने वाले समय में आप इसका, इस ब्रांच का फ्यूचर कैसा देखते हैं? और मतलब इनोवेशन भी बहुत हो रहे हैं कैंसर की फील्ड में, और प्रिवेंटिव और एज वेल एज क्योरेबल भी बनाया जा रहा है इसको, और कंट्रोलेबल भी, तीनों चीज़ें। तो एक करियर के रूप में भी और एज सच इस ब्रांच के रूप में भी आप फ्यूचर कैसा देखते हैं? मैं ये समझता हूँ मेडिकल फील्ड में जब हमारी MBBS फर्स्ट ईयर चालू होती है तो पहला सब्जेक्ट एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, उससे लेके जो हायर सब्जेक्ट है, अगर आप मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो मुझे लगता है कोई भी ब्रांच खराब है। अगर आप एनाटॉमी भी लेके पढ़ाते हैं तो शायद आप जो हमारे एनाटॉमी के टीचर हैं आज भी हमारे मन में रिस्पेक्ट होती है, मिलते हैं कहीं पर, मुझे तो सबसे ज़्यादा पैर छूते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है। आज भी हम BD 84 को जानते हैं और जो आपके एनाटॉमी के टीचर होंगे उनका मन में भी आपके लिए आज भी सम्मान है उतना। तो मुझे लगता है ये ब्रांच थोड़ी सी अलग है दूसरी ब्रांचेस से। आप पहली चीज़ तो अपनी खुद की क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, आपको एक इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा, आपको बड़े ही शहरों में रहना पड़ेगा, आप शहर अपने मन से चूज नहीं कर सकते, वो शायद आपको डिस्ट नहीं दिलाती है। कई बार जैसे हमने जनरल फिजिशियन MD किया, हमें कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर पर भी हम टेबल कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम करने लगते हैं। इस ब्रांच में ये चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इस ब्रांच में फ़ायदे बहुत हैं कि हम एकदम पीक पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है, इनोवेटिव चीज़ है, नई नई ब्रांच, नई नई इसमें नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई मशीनों के साथ डील करना पड़ता है, बड़े इंस्टीट्यूट में रहेंगे और थोड़ी सी लाइफ ग्लैमरस भी इसमें हो जाती है। जब बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं अचानक एक छोटी जगह से निकल के, जैसे मैं जब छोटी जगह से निकल के दिल्ली में सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने काम किया तो मुझे खुद लगता था कि मैं इतनी छोटी जगह से कहाँ पहुँच गया, तो एक अंतर समझ में आता। लेकिन वो छोटी ब्रांचों में उतनी जल्दी हम उस हायर ट्री पर नहीं पहुँच सकते, इन ब्रांचों में हम बड़ी जल्दी उन हायर ट्री पर पहुँच जाते हैं। वंडरफुल। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि इस फील्ड में मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन मतलब ग्लूमी लगता है कि मतलब वो पेशेंट डाइंग है और हमें उसी के साथ काम करना पड़ रहा है, तो मतलब एक डिप्रेसिंग सा होता है, ये कितना सच है? ये बिल्कुल सच बात है कि कैंसर आज भी हम जितना समझ पा रहे हैं लगता है कि उतना बहुत कम है, और साइंस समझने की कोशिश कर रही है। कई बार फोर्थ स्टेज में कैंसर आता है तो मेहनत करते हैं हम लोग बहुत, और लास्ट में जाता है तो एक मन में डिप्रेशन तो आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद क्या हुआ। जैसे मान के चलो ऑर्थोपेडिक में क्या होता है कि हड्डी टूटी, पेशेंट दर्द के साथ आया, आपने हड्डी जोड़ जिंदगी भर बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब ने बिल्कुल हमें ठीक कर दिया। लेकिन हमें सत्यता तो समझनी पड़ेगी क्योंकि लाइफ तो कुछ समय के लिए तो दे पा रहे हैं नहीं। शायद अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो एक महीने के बाद मर जाता, हमने ट्रीटमेंट किया, वो एक साल डेढ़ साल सर्वाइव रहा, उसने एक साल डेढ़ साल अपने परिवार वालों के साथ जिंदगी बिताई और जो जिंदगी बिताई वो कंफर्टेबल बिताई, ये हमारे लिए अचीवमेंट है। अच्छा, कुछ वायरल रील्स इस तरह की होती हैं कि वो कोई वैक्सीन आ गया है जिसको ले लेने से अब कोई कैंसर नहीं होगा, तो आपको ये कितनी से आपने शायद देखे होंगे इस तरह के दावे और रील्स? बहुत सारे, चूँकि देखिए आप देखें जो एंड स्टेज डिसीजेज होती हैं जैसे HIV है, किडनी डिसीज है, इसमें प्रोपोगंडा वाली चीज़ें बहुत चलती हैं कि मतलब जैसे एक था आप देखेंगे एक देहरादून हिमालय कोई इंस्टीट्यूट था बिर्गी का, यहाँ पर बड़े बड़े हीरोज के पेपर में ऐड आते, लास्ट में क्या निकला? क्योंकि ये चीज़ हमें पता है कि क्रॉनिक डिसीजें क्योर नहीं हो सकती, तो व्यक्ति दूसरा अल्टरनेटिव विधा में जाता है। जैसे कैंसर की बात करूँ, आज भी कैंसर का ट्रीटमेंट कॉस्टली है, लंबा समय लेने वाला है, पेनफुल भी है, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी, तो व्यक्ति सोचता है हम इस पेनफुल मेथड में ना जाके कोई शॉर्टकट अपना लें। तो शॉर्टकट कई बार ज़्यादा लोग अर्न करते हैं, मैंने देखा जो लोग शॉर्टकट प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा अर्न करते हैं और उनके पास भीड़ भी लगी रहती है, और लेकिन वो एक गलत प्रथा है। तो ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी प्रोपोगंडा उनके जल्दी यूज़ फैलती है वो चीज़ की, लेकिन जो मेडिकल साइंस है ऑथेंटिक है, और मैंने देखा कि जो रिजल्ट जो क्योरेबल पेशेंट है वो क्योर हो जाता है। जैसे आजकल तो हम लोग थर्ड स्टेज तक क्योर कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट में तो हो ही जाता है, सेकंड और थर्ड में भी क्योर हो जाता है, और फोर्थ स्टेज में भी व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी प्रोलॉन्ग हो जाती है क्योंकि ट्रीटमेंट आज बहुत शानदार ट्रीटमेंट आ चुका है। मैं खुद जब मैंने प्रैक्टिस चालू की थी
वो दवाई 1 लाख रुपए की हुआ करती है, 500 रुपए की दवाई मिल रही है। ओके, हाँ जब ज्यादा लोग प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट रिड्यूस होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, पहले पेटेंट हट जाता है, इन कंपनी बनाती है, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है उसमें। अच्छा ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, और फिर आप अपनी ओर से जो भी बोलना चाहें। पहला ये कि मैं जानना चाहता हूँ इंडिया में इस समय मेल्स में और फीमेल्स में और ओवरऑल टॉप टू कौन कौन से कैंसर्स हैं? अगर फीमेल्स में देखा है तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, इनमें से कॉम अब हम लोग जब MBBS में थे मेरे ख्याल से हम ब्रेस्ट कैंसर को टॉप पर, ब्रेस्ट कैंसर अभी भी टॉप पर है, टॉप में है ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि अब सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस बहुत हो रहा, HPV वायरस वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर धीरे धीरे कम। ब्रेस्ट कैंसर चूंकि लाइफ स्टाइल डिसीज है तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा। और हम अगर मेल्स की बात करें तो जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें टबैको का चूंकि बहुत है तो ओरल कैंसर हमारे पास सबसे ज्यादा है। ओरल के बाद लंग कैंसर, फिर कोलोन कैंसर, ये हमारे पास 3 कैंसर हमारे पुरुषों में ज्यादा है। कोलोन कैंसर का कोई प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर होता है? कोलोन कैंसर में किस्मत है बस नहीं, देखिए आजकल अगर हम अभी हम कुछ समय से पेपरों को न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं कैंसर में, पहले टोबैको का कंजम्पशन का तो सबसे बड़ा रीजन अभी भी है टोबैको, उसके बाद जो दूसरा रीजन है वो है पेस्टिसाइड दूसरा, क्योंकि अब पेशेंट ऐसे आने लगे हमारे पास सर हम तो तम्बाकू भी नहीं खाते थे, एल्कोहल भी नहीं लेते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा रीजन है पेस्टिसाइड, जो धुआं जो अंधाधुंध खेतों में जो दवाइयाँ डाली जा रही हैं, यूरिया डाला जा रहा है और इतना पेस्टिसाइड डाला जा रहा है कि मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो कृषक हैं उनकी फैमिली के पेशेंट आते हैं, हम बोलते हैं कि भाई गांव में तो स्वच्छ हवा है तब भी कैंसर क्यों हो रहा, बाद में जब मैंने देखा मैं गांव गया रियलाइज किया कि वो लोग पेस्टिसाइड डालते हैं, फ्यूम्स अंदर जाती हैं, उनको ब्लड कैंसर, लंग कैंसर और तमाम प्रकार के कैंसर उनको हो रहे हैं। तो ये पेस्टिसाइड एक सबसे बड़ा रीजन टोबैको के बाद जो मुझे लग रहा है मर्ज हो रहा है, तो अधिकतर ऐसे लोग आ रहे हैं जो कंज्यूम नहीं करते कुछ भी और उनको हो रहा है। आप आम जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपना, यह हम अलग से कट लगाएंगे रील का, कि कोई ऐसा मैसेज जो आप समझते हैं कि नीचे तक पेनिट्रेट होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए? सबसे अभी मैं इस समय जो मैसेज देना चाहूँगा, कैंसर सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है और उसका सबसे बड़ा अभी जो है इम्पैक्ट आ रहा है पेस्टिसाइड का। तो जितने लोग हैं जो अगर फार्मर्स हमारी बात सुन रहे हैं तो कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं, पेस्टिसाइड से उनको भी नुकसान होगा, उनके परिवार वालों को भी नुकसान होगा, जो हमारे कृषक हैं जिनको हम अन्नदाता बोलते हैं आज वो मृत्युदाता की तरफ जाते जा रहे हैं, क्योंकि जो भोजन बाहर जब वो भोजन मार्केट में लाते हैं अन्न वगैरह सब्जियाँ फ्रूट्स, और जब वो सामान लोग खाते हैं उनको कैंसर की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमें इसको चेंज करना, इसका सोल्यूशन आई थिंक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को ढूंढना पड़ेगा, किसान के हाथ में शायद ही होगी क्योंकि उसको तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कुछ ढूंढें सोल्यूशन, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती आसान नहीं होती, मतलब नहीं ऐसा नहीं ऑर्गेनिक खेती आसान नहीं होती, ये खैर अलग हमारा छोड़ा, लेकिन कई जैसे भूटान है आप देखेंगे अभी 1 हफ्ते पहले न्यूज थी भूटान में टोटल ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, हमारा नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट में ऑर्गेनिक है वहाँ पर टोटल ऑर्गेनिक उन्होंने कर ली, और मैं बताऊँ 1-2 साल में दिक्कत आती है लेकिन ऑर्गेनिक बहुत सस्ती पड़ती है। अच्छा हाँ okay. और पैसे और किसान को बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है उसका एक अलग से, हम हाँ, तो कर सभी हम बात में किसी किसान को भी मैं बिठाऊंगा फिर एक कैंसर विशेषज्ञ किसान और पूरा और उस खेती के बारे में डिस्कस करेंगे क्या हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि वो जागरूकता आज जरूरी है, अगर हम उसको नहीं करेंगे, देखिए तम्बाकू खाना नहीं खाना हमारे हाथ में है, जब व्यक्ति तम्बाकू खाता है उसको पता है कुछ समय के बाद हमको कैंसर होगा तो एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो तम्बाकू भी नहीं खाता तो मतलब उसके परिवार में अगर किसी बच्चे भी बच्चे को कैंसर हो गया तो वो दुखी होता है कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारे माँ को कैंसर हो गया, पिताजी को हो गया, हमारे बच्चे को हो गया, वो मतलब बिल्कुल टूट जाता है कि बोले हमने इतना सब कुछ प्रोटेक्ट किया ऐसे अच्छा तो कि हम नशा ही करते रहते, ठीक है तो वो एक अलग चीज है, उसके बारे में अलग मुझे लगता है करना चाहिए, लेकिन ऑन्कोलॉजी ब्रांच जो है जो बात कर रहे थे अभी इमर्जिंग ब्रांच है, और चूंकि रिसर्च भी बहुत चल रही है, कई रेडिएशन ऑन्कोलॉजी करने के बाद रिसर्च में भी चले जाते हैं वो लोग, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है रिसर्च में भी, और मतलब जो ट्रायल्स हैं जैसे हमारे कुछ हैं इंस्टीट्यूट के लोग वो ट्रायल कर रहे हैं, हर साल में करीब 4 बार तो वो विदेश जाते हैं ट्रायल अटेंड करने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो
साइंस बहुत अच्छी है और इमर्जिंग साइंस है, तो जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारे MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे हमारे पॉडकास्ट को, तो ज़रूर इस बारे में सोचें, और आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप इस ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्यामजी रावत। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो आपने यदि अच्छे से सुना होगा तो बहुत सारी इंसाइट्स देगा इस पर्टिकुलर ब्रांच के विषय में, और यदि आप अपना करियर प्लान करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड अंडररेटेड ब्रांच है जिसके विषय में पता नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स इसे नहीं लेते, और इस तरह के डाउट्स को डॉक्टर श्यामजी रावत ने अच्छे से क्लियर किया। मैं समराइज कर दूँ तो ये ब्रांच सबसे कम सैचुरेटेड है, सबसे कम सैचुरेशन वाली ब्रांच है। दूसरे नंबर पर इसमें OPD प्रैक्टिस खुद की करना संभव नहीं है, आपको बड़े हॉस्पिटल बड़ी जगह लेनी होगी। थर्ड नंबर पर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी इनकम आपको होगी जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ के लिए आप पा सकते हैं इसे। और फोर्थ है आप इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो एकेडमिक सर्कल में लेडर है वो तेजी से ऊपर जा सकते हैं बिकॉज कि कम लोग हैं इसमें। एंड फिफ्थ, क्योंकि कैंसर ऑलमोस्ट एपिडेमिक के रूप में है तो इस तरह के प्रोफेशनल्स की बहुत बहुत ज़रूरत है। सिक्स्थ, इसमें DM का ऑप्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर अपेत, और सभी मेरे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।